और अब देखिए सास बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल स्टोरी। वेलकम, नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। सास बहू और साजिशों में आपका अपना रणबीर कोहली फ्रॉम कुमकुम भाग्य, आई एम राइट हियर। एबीपी न्यूज पे आप सब मुझे देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि व्हाट्स इन माय बैग। हालांकि सारे लोगों को नहीं पता मेरे बैग में क्या है, बट अब बोला है आपने, मांगा है, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए आप मुझे जज मत कीजिएगा, मेरे बैग में ना बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, बहुत ही पर्सनल भी हैं, तो ये मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता है आधी ज़्यादा चीज़ें, तो आज शायद इससे मेरे मॉम डैड भी देख लेंगे। तो पहले शुरुआत होती है मेरे ड्रायर से। ओह, सब कुछ निकल गया, हेयर ड्रायर। हालांकि हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं तो पसीना वसीना आ जाता है बालों में, और शो पे ना बाल कभी गीले कर देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं, तो जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत हम लोग अपने ब्लो ड्राई कर लेते हैं बाल। ब्लो ड्राई करने से क्या होता है, बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। जब भी मैं मुग्धा के साथ सीन करने जाता हूँ, मतलब प्राची के साथ सीन करने जाता हूँ, मैं हमेशा एक मुँह में डाल लेता हूँ ताकि मेरे अंदर से अच्छी खुशबू आए और वो मेरे करीब भी रहे, मेरे से दूर ना जाए। घर पे मम्मी तो है नहीं, तो मैं अपना खुद ही खाना बनाता हूँ। सुबह उठ के खाना खुद बना के खाना खुद पैक करता हूँ, और मैं उसको, आज मैं ओट्स लेके आया हूँ। इस किताब का नाम है हाउसफुल। ये किताब मैंने अभी नहीं खरीदी है, एक्चुअली मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किताबें नहीं पढ़ पाता हूँ यूजली, मैं थोड़ा सा इतना समझदार नहीं हूँ। तो अब जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किताबें पढ़ूँ, मैं सारी वो चीज़ें करूँ जो मैंने बचपन में कभी नहीं करी। तो शुरुआत ऑब्वियसली हाउसफुल, गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा। मुझे इससे बेहतर कुछ लगा नहीं देखने के लिए, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेता हूँ। मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें लिखता रहता हूँ। जो जो चीज़ें अच्छी हुई हैं दिन में उसके बारे में लिखता हूँ, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं दिन में उसके बारे में लिखता हूँ, कुछ कहानियाँ लिखता हूँ, कुछ चीज़ें सोचता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें सोचता हूँ। बहुत, एक दिन में मैं कम से कम 150 बार ये सोचता हूँ कि मैं अगर यहाँ नहीं होता तो मैं कहाँ होता, अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। बॉम्बे के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये शेड्स। ये शेड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉम्बे का मौसम बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। कभी सुबह इतनी ठंड होती है, कभी शाम को इतनी धूप होती है, तो मैं सब कुछ लेके चलता हूँ। मैं स्वेटर्स वगैरह भी लेता हूँ, वो बाहर रखा हुआ मेरा स्वेटर, ये स्वेटर भी लेके आता हूँ मैं साथ में, ताकि मुझे जब सुबह सुबह ठंड लगे तो मैं पहन के आता हूँ। ये है मेरे हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे, ताकि मेरे बाल एक जगह पे ले। हालांकि मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, ये मैंने इसलिए खरीदी है क्योंकि मुझे दिखने में अच्छी लगती है, लाल है, और कोई रीज़न नहीं है, मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं करी है। गाइस, मेरी सबसे फेवरेट आइटम मेरी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे लगता है अगर मैं काला हो जाऊंगा तो मुझे कोई काम नहीं देगा, तो इसीलिए मैं बहुत डरता हूँ। इसलिए मैं गोरा ही रहना चाहता हूँ जिंदगी भर। मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग ऐसे ही पसंद करें, मैं हमेशा ऐसा रहूँ। तो ये सनस्क्रीन हाथ पाँव मुँह टांगे हर जगह लगाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मेरी ज़रूरत की है। जैसे मेरे पास किताब है, पेन है, हेयर वैक्स है, शेड्स हैं, अपनी एक छोटी पर्सनल डायरी है, मेंस है क्योंकि कभी भी किसी के भी करीब जा सकते हैं, सनस्क्रीन है, खाना है, और हेयर ड्रायर है, और ये छोटा सा स्वेटर जिसकी बॉम्बे की ठंड भी अनप्रेडिक्टेबल है। हालांकि मेरे पास कुछ ऐसा काम का नहीं है, मतलब मेरे पास कभी चार्जर नहीं हुआ कि कहीं मैं खो जाऊं तो मेरे पास चार्जर हो, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं रहता। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है मेरे पास बैग में। मेरे पास बैग में सिर्फ चीज़ें हैं जो शायद मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया। प्लीज़ वॉच एबीपी न्यूज़, प्लीज़ देखिए सास बहू और साजिशें, बहुत इंटरेस्टिंग। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।